वाले 18 इंच टायर के ऊपर और 16 इंच टायर के अलग वाले यूज़ किए अपने को, उसमें भी ड्रम है और टूट रहे थे तो मैंने इसमें बुलेट वाले स्पोक्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होपिंग वेल। तो जैसे कि आपके सामने देख सकते हो आप, ये अपना है 16 इंच का टायर और ये अपना है 18 इंच का टायर। तो अपन इसके ऊपर अभी क्या करने वाले हैं आपको बता देता हूँ। अपन अब अपनी बाइक की टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं 18 इंच टायर के ऊपर और 16 इंच टायर के ऊपर। तो ये 16 इंच का टायर ये है और ये है 18 इंच का टायर। तो क्या टॉप स्पीड में फ़र्क आता है और बाइक का लुक को भी अभी दिखा दूँ मैं आपको। टायर थोड़ा साइड में रख के 18 इंच पर बाइक का लुक कैसे आ रहा है वो भी दिखाता हूँ। 16 इंच पे आपने लुक देख लिया होगा, वीडियो में भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको लुक दिखाता हूँ, इस टायर को साइड में रखता हूँ 16 इंच का और 18 इंच का टायर का लुक दिखाता हूँ और कौन सा टायर डाला है वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो बाइक का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। पीछे से अभी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो बाइक की कुछ इस तरीके से लुक बन रहा है और साइड प्रोफाइल से भी आप देख लीजिए। तो पीछे जो इस तरह से दिखती थी बाइक, वो नहीं, अभी स्ट्रेट दिख रही है, जिसकी वजह से बाइक की जो हाइट है और ज़्यादा हो गई, पैर वगैरह थोड़ा कम पहुँचते हैं। तो अभी और एक बात, अपने टायर्स में कौन सा डाला है, मैंने डाला हूँ इसमें अभी दिखा सकता हूँ आपको, MRF का, ये देख लीजिए MRF का और साइज़ की है 1918, ठीक है। MRF का टायर डाला हूँ तो अच्छा खासा टायर है और आपको टायर की प्राइस बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। बताता हूँ आपको भी टायर की प्राइस। तो उसमें मैंने ड्रम भी अलग वाला यूज़ किया है अपने को, उसमें भी ड्रम है और इसमें भी एक अलग ड्रम मैंने ला के ये सेटअप तैयार किया। तो इसको मैंने ब्लैक मैट मारा, वो भी स्प्रे से मारा हूँ अपने यहीं से, ठीक है। और स्पोक्स अपने चेंज किए और क्रोम किया स्पोक्स को, प्लेट वही है, प्लेट चेंज नहीं किया अपने, ठीक है। टायर, इसके अंदर की ट्यूब, स्पोक्स और रिम, ये सब अपने चेंज किए और ड्रम, इतना सब अपने को सेटअप लगाया सब तैयार करने के लिए। बाकी का प्लेट तो उसी ड्रम की है और प्लेट अपने नहीं यूज़ की। तो बताने का सिर्फ मकसद यही है कि अभी अपन इसके ऊपर टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं कि 16 इंच टायर के ऊपर टॉप स्पीड कितनी आती है और 18 इंच टायर के ऊपर टॉप स्पीड कितनी आती है। तो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है 16 इंच टायर के ऊपर टॉप स्पीड कुछ 100 के ऊपर बाइक नहीं जाती, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही जाती, उसके ऊपर नहीं जाती। फिर एक बार हम ट्राई करेंगे 16 इंच टायर के ऊपर अपनी टॉप स्पीड कितनी आती है, फिर 18 इंच टायर के ऊपर भी अपनी टॉप स्पीड अपन चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आएगी वो वीडियो ताकि आपको पूरा डिटेल में पता चले। ये पार्ट वन है, फिर इसके बाद बनेगा पार्ट टू और आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है टॉप स्पीड में। 18 इंच टायर पीछे रहेगा तो कितनी टॉप स्पीड आएगी और 16 इंच टायर पीछे रहेगा कितनी टॉप स्पीड आएगी। और लुक में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है 18 इंच पे, आपको लुक के बारे में बता देता हूँ, लुक उतना अच्छा नहीं आता 18 इंच पीछे टायर रहता है तो। हाँ, आपकी टॉप स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी मगर लुक बाइक का पूरा एक अलग ही ख़राब हो जाता है मेरे हिसाब से, और ख़राब ही हो जाता है क्योंकि उतनी लुक में बाइक नहीं दिखती है जितनी दिखनी चाहिए। और 16 इंच टायर का लुक भी देखिए आप, थोड़ा अच्छा दिखता है। और मैंने आपको इस पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अपनी स्पोक्स टूट गए थे, बार बार टूट रहे थे तो मैंने इसमें बुलेट वाले स्पोक्स लगाए तब भी, और तो ज़्यादा नज़दीक क्रॉस में लगाए तो बुलेट वाले स्पोक्स भी इसमें बैठते हैं, आप यूज़ कर सकते हो बुलेट वाले स्पोक्स, इतने जाड़ा थे। इस स्पोक्स की लेंथ देखिए और अभी अपने जो हैं वो देखिए कितने पतले हैं वो और ये कितने जाड़ हैं। तो बुलेट वाले स्पोक्स मैंने इसमें यूज़ किए, अभी कड़क कभी भी नहीं टूटेंगे और से क्रोम प्लेटिंग अपने कर दी। और ये अपने MRF का मोटोडी टायर है, इसका साइज 3/25/16 है और ये 16 इंच का है, 18 इंच का है। तो अब बातें बहुत हो गई, इसके बाद वाली वीडियो में आपको सीधा टॉप स्पीड मिलेगी अपने दोनों टायरों के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बने रहे चैनल पे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ टू स्टॉक लवर 1%। बाय।